एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। सो जिसमें हमने ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरे पास है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी विद ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें आपको मेजरमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे ए बी सी, ठीक है, कि हमारी ट्रायंगल ऐसी बनेगी। सो इसमें ए बी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये बी सी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये ए सी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। सो यहाँ पे देखो, जब भी आपको एक लाइन बनानी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप जहाँ से मार्किंग स्टार्ट हो रही है, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द स्केल, बट यहाँ से ये जीरो की मार्किंग स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। सो मैंने ये ए बी लाइन बना ली है, ठीक है, ये हमारी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये बी सी 5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के कंपास ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो मेरे पास है ये कंपास, सो अब हमें ए बी 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के कंपास ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो अब मेरे पास ये कंपास है, मैं इसको 5 सेंटीमीटर की ओपन कर लेती हूँ। सो मैंने ये 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर ली, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखूँगी और एक आर्क लगाऊँगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये ए बी थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, मुझे चाहिए बी सी 5, सो बी से रख के मैंने एक आर्क लगा दी। अभी मुझे चाहिए ये ए सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो ये मैंने कंपास ओपन कर ली 6 सेंटीमीटर की, अब मैं इस ए पे रखूँगी और एक आर्क लगाऊँगी, ठीक है। सो अभी जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट हो रही हैं, हम उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, सी, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा सी है, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, सी। तो अब हमने क्या करना है, हमें ये लाइन सेगमेंट चाहिए, ठीक है, तो हम सी को बी के साथ और सी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो आइए करते हैं, सो यहाँ पे भी इस ए को हम सी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई, पर अब हमारी आती है स्टेप्स लिखने की, ठीक है। स्टेप्स लिखने बहुत ईजी हैं, जैसे जैसे हमने ट्रायंगल बनाई वैसे वैसे हम स्टेप्स लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ की थी, तो हम वही लिखेंगे, ड्रॉ आ रफ डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी 7 सेंटीमीटर की, तो हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड ड्रॉ आर्क taking B as a center, okay। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, हमने कंपास ओपन की थी 6 सेंटीमीटर की, सो ओपन द कंपास
ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ आर्क टेकिंग ए एज अ सेंटर। ठीक है, हमने ए को सेंटर मान के एक आर्क ड्रा की थी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, यहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था, सी। सो वेयर दीज बोथ आर्क्स मीट नेम दैट पॉइंट सी। ओके, join AC and BC, triangle ABC is required triangle। yes, next है construct a triangle with AB 6.2 centimeter, ए सी 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, सो आपको एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हमें मेजरमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी हमें गिवन है 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ए सी हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, और एंगल बी ए सी गिवन है, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल हमें गिवन है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल बनानी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये ए बी 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वैसे ही जैसे आपको भी बताया था कि हमने यहाँ से जीरो मार्किंग से स्टार्ट करनी है 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बीच में बनाते हैं, ठीक है। सो ये हो गई हमारी ए बी 6.2 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है बीसी हमें चाहिए। अभी बीसी की मेजरमेंट नहीं गिवन, हमें एसी की गिवन है। ठीक है, पर एसी में हमें ये चाहिए पहले एंगल 55 डिग्री का। ठीक है, तो आप ये प्रोट्रैक्टर को यूज करके 55 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक है, कैसे रखोगे, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है। ठीक है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को आप ए पे रखोगे। ठीक है, और इस लाइन के साथ ये लाइन मैच करोगे। ठीक है, सो अब हमें बनाना है 55 डिग्री का। तो जब भी आप एक्यूट एंगल बनाते हो तो क्या करते हो, ये नीचे वाली लाइन आप देखते हो। ठीक है, सो यहाँ पे 55 हमारे पास ए रहा। ठीक है, यहाँ पे आप एक डॉट लगा दोगे, सो इस डॉट को ए के साथ मैच करो। ठीक है, इसको और बढ़ा लो। सो ये होगी हमारी 55 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हमें चाहिए एसी 4.5। ठीक है, सो ये लाइन है हमारे पास। अब हमने कंपास ओपन करनी है 4.5 सेंटीमीटर की। सो 4.5 हमारे पास ये रहा, और एक इसका पॉइंट हमने यहाँ पे रखना है और इसका जीरो पे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 4.5। सो ए पे रख के अब हमने आर्कल करनी है। ठीक है, सो अभी ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो गया, सी। सो नाउ ज्वाइन सी एंड बी। ठीक है, सो ये हमारी ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई जो हमें मेजरमेंट्स गिवन थे। ठीक है, सो सबके मेजरमेंट्स लिख दो। यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, और ये फर्स्ट में थी हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास रेडी हो गई। सो अब हमारी बारी है स्टेप्स लिखने की। सो स्टेप्स हमने सेम वैसे लिखने हैं
सो स्टेप वन में हम क्या लिखेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया था, एक रफ डायग्राम ड्रॉ की थी. सो ड्रॉ रफ डायग्राम और सेकंड में क्या किया था, हमने इस एंगल पे एक एंगल बनाया था. फिर हमने क्या किया था, एक ए बी ड्रॉ की थी 6.2 सेंटीमीटर की. ड्रॉ ए बी ऑफ 6.2 सेंटीमीटर. ठीक है, थर्ड में हमने क्या किया था, इस ए पॉइंट पे हमने एक एंगल बनाया था 55 डिग्री का. ठीक है, ड्रॉ एंगल ऑफ बी ए सी 55 डिग्री विथ प्रोट्रैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, एक 4.5 की कंपास ओपन की थी. ओपन कंपास ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ आर्क टेकिंग ए एज अ सेंटर. ठीक है, सो नेम दैट पॉइंट सी, जॉइन सी टू बी. सो ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल.